हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल हीलिंग में आपका स्वागत करती हूँ। गाइज, आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ शिवा, लॉर्ड शिवा का क्या संदेश है आपके लिए, हमारे लिए क्या संदेश है, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, उनकी क्या ब्लेसिंग्स हैं, तो हम लोग आज उसी पर रीडिंग करेंगे। और हमेशा की तरह मैं 3 पायल रखूँगी, 1 2 3, जो भी आई होप आपको ये दिख रहा हो। तो जो भी होगा आप देख लीजिएगा, यदि एक से ज्यादा पायल भी आपको अट्रैक्ट कर रही है तो आप उसमें भी देख सकते हैं, आपके लिए कुछ ना कुछ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम गणपतिये नमः, ओम नमो नारायण, ओम साईनाथाय नमः। पॉजिटिव रहिएगा, पायल नंबर 1 आपके कार्ड निकल गए हैं, इधर रख देते हैं। इनको भी ग्रीनरी पसंद है। पायल नंबर 1 एक कार्ड और लेती हूँ आपका। पायल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज किया है गोल्डन कलर का हार्ट, चलिए देखते हैं पायल नंबर 2 आपके लिए क्या है। यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ शिवा का मैसेज, पायल नंबर 2 अरुण लोग का आज 4 कार्ड निकल रहे हैं, ठीक है, चलिए ईश्वर की मर्जी। रेड कलर का हार्ट पायल नंबर 2। गाइस, यदि आप लोग जैसे कंफ्यूज होते हैं, बहुत लोग 1 चूज करें कि 2 चूज करें, तो सबसे पहले आप लंबी लंबी सांसें लीजिए, लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, और उसके बाद शांति से सोचिए, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि आप पायल नंबर 1 चूज करें या 2। एक कार्ड और लेते हैं पायल नंबर 3 आपके लिए, देखते हैं भोले बाबा का क्या संदेश है आपके लिए। पायल नंबर 3 ग्रीन कलर का हार्ट, देख लीजिएगा ये जो पायल आपको अट्रैक्ट कर रही है, कलर के हिसाब से भी देख सकते हैं, 1 2 के हिसाब से सोच सकते हैं, जो भी आपको लग रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है आप चूज कर सकते हैं। डक ऑफ कार्ड है द हर्मिट, सोचिए समझिए फिर आगे बढ़िए। चलिए शुरू करते हैं हम अपना पायल नंबर 1 जिन्होंने भी गोल्डन कलर का हार्ट चूज किया है। फाइव ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत सुंदर कार्ड। 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। चलिए गाइस शुरू करते हैं पायल नंबर 1 या जिन्होंने भी गोल्डन कलर का हार्ट चूज किया उनके लिए। 5 ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। पहली बात तो जो पास्ट में आपको तकलीफें मिली हैं, ब्रेकअप मिला है या जॉब से निकाला गया है, बिजनेस लॉस में जा रहा था, किसी ने आपको, आपके दोस्त ने ही आपको धोखा दिया है, ये जो भी चीज़ें थी ये पास्ट की थी, ये प्रेजेंट में सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है और फ्यूचर में ले जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अभी भी कुछ लोग 2 लोगों के बीच में अटके हुए हैं, 2 डिसीजन है उनके दिमाग में, ये करें या ये करें। तो गाइस बहुत क्लियर इसमें संदेश है आपके लिए कि जो सच्चाई है उसका सामना कीजिए, उसका साथ दीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो भी आपके
का ब्रेकअप हुआ है या तकलीफ हुई है या प्रॉब्लम हुई है, जो भी सैडनेस है आपके अंदर, अभी भी बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है, एक्चुअली आप उससे उभरना ही नहीं चाह रहे। भाग्य चक्र आपका बदल रहा है गाइस, शिवा की कृपा से, भोले बाबा की कृपा से, उनके आशीर्वाद से आपका भाग्य चक्र चेंज हो रहा है। अगर भाग्य चक्र चेंज हो रहा है, जो सोचेंगे वही होगा। आप इस डिप्रेशन में, टेंशन में रहेंगे, तकलीफ में रहेंगे, वही आपके भाग्य में लिखा जाएगा, क्योंकि ईश्वर आपका आपकी हेल्प कर रहा है, यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है आपकी किस्मत चेंज करने में। प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी साइड से कोई एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, आपने खुद को इतना बेचारा, अपने आप को ऐसा बना लिया कि मैं बेचारा हूँ, मुझे ही तकलीफ है दुनिया की। गाइस, जब भी हमको ऐसा लगे कि हमें बहुत तकलीफ है या हमें ही परेशानी हो रही, तो एक बार बाहर निकल के देखिए लोगों को, वो किस किस तकलीफ को फेस कर रहे हैं। आपको हमेशा, जब भी आपको ऐसा लगे, आप बाहर निकल के देखिए कैसी तकलीफ लोग फेस कर करके आगे जा रहे हैं या अभी भी उस तकलीफ में है, तो आपको आपकी तकलीफ बहुत छोटी लगेगी। इस चीज का ध्यान रखिए। पायल नंबर 1, भाग्य चक्र कंटिन्यू चेंज हो रहा है आपका। जो आप सोचेंगे अपना भाग्य वैसा ही बनाएंगे। कर्म से हम अपना भाग्य बदल सकते हैं, तो अच्छे कर्म करिए। ब्रेकअप जो हो गया वो हो गया, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। और एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है वो जो ब्रेकअप हुआ है आपके अच्छे के लिए हुआ है। आगे जाके आपको तकलीफ होने लगती है, आगे जाके लाइफ में प्रॉब्लम्स होती, तो यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम, ठीक है, आपको जो दुख हुआ, तकलीफ हुआ, मैं उसको नहीं बोलूँगी कुछ भी, लेकिन आपको उससे बाहर निकलना है। अनजाने डर, अनजाने भय से बाहर निकलना है। दो लोगों के बीच में अटकी है, जो सही है, जो सच्चा है, उसका साथ दीजिए। भाग्य चक्र बदल रहा है। शिव शंकर भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना हुआ है, उन्होंने आपका भाग्य चक्र चेंज कर दिया है गाइस। अब आप अफर डालिए अपने उसमें आपको कैसा रहना है, क्योंकि फिर आप ईश्वर को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि ईश्वर अपना काम कर रहा है। तो पायल नंबर 1 या फिर जिसने भी गोल्डन हार्ट चूज किया था, उसके लिए यही संदेश है, भाग्य चक्र बदल रहा है, पास्ट से बाहर निकलिए, अदरवाइज वहीं अटके रह जाएंगे। फिर ईश्वर को भी दोष मत दीजिएगा, क्योंकि ईश्वर ही आपके भाग्य चक्र को चेंज कर रहे हैं। जिन्होंने भी सेकंड पायल नंबर हार्ट, रेड कलर का हार्ट चूज किया है, उनके लिए देख लेते हैं क्या है। 7 of Cups, 4 of Wands, 3 of Wands, 3 of Coins यानी Pentacles। चलिए गाइस देख लेते हैं पायल नंबर 2 या फिर जिन्होंने भी रेड कलर का हार्ट चूज किया है, उसके लिए क्या रीडिंग है। तो सबसे पहले आप जो हवा में किले बना रहे हैं, हवा में महल बना रहे हैं, हकीकत से खुद को, कुछ लोगों के लिए बोलूंगी, सबके लिए नहीं बोलूंगी, हकीकत से दूर है, जमीन पे आइए। हवा में महल नहीं बनते हैं गाइस। जो हकीकत है, जिससे आपने मुंह मोड़ रखा है, उसे देखिए। आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, आप क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी आपकी कैपेसिटी क्या है। आपने अगर किसी काम को अपने हाथ में लिया है, तो क्या वो पूरा कर सकते हैं, या लेने वाले हैं, या सोच रहे हैं लेने का, तो क्या आप कर सकते हैं। किसी ने आपको चढ़ा दिया आप कर सकते हो, नहीं। आपको खुद को पता है कि आप में कितनी कैपेबिलिटी है किसी भी चीज को करने की, तो इस चीज का ध्यान रखिए और सपनों की दुनिया से बाहर आइए। आपकी लाइफ में बहुत चेंज होने जा रहा है। जैसे ही आप इस सपने की दुनिया से बाहर आएंगे, आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज होने जा रहा है। भोले बाबा की कृपा से आपकी लाइफ पूरी चेंज हो रही है। रीयूनियन दिख रहा है, पार्टी दिख रही है, फैमिली गेट टुगेदर दिख रहा है, आपकी लाइफ टोटल चेंज हो रही है। जो भी परेशानियों या तकलीफ से अभी कुछ लोग गुजरे हैं, टोटल चेंज होने वाली लाइफ है आपकी, पूरी चेंज हो रही है। कुछ लोग बाहर जाने का जो सोच रहे थे, अब्रॉड वगैरह जाने का, या घूमने का, या जॉब के लिए, जिस भी पर्पज से,
आप जा सकते हैं। कुछ लोग अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ रिलेशनशिप दिखा रहा है, तो वो मिलने वाले हैं। वो आपके लिए बहुत लॉयल है, आप भी उनके लिए लॉयल बने रहिए गाइस। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हो सकता है कोई ऑफिस का हो या किसी घर वगैरह बनाने का या जो भी प्रोजेक्ट पे, तो आप मिलजुल के काम कीजिए। यदि कोई ऐसा प्रोजेक्ट कोलाब करने की ज़रूरत है तो आपको वहाँ पे करना चाहिए, क्योंकि आप जितने ज़्यादा लोग लेंगे, टीम वर्क करेंगे, ये कह सकते हैं टीम वर्क करेंगे, उतना अच्छा काम आपका होगा और कम टाइम में होगा। तो आपको अगर ऑफिस में कोई ऐसा प्रोजेक्ट है या कुछ है, आपको टीम वर्क की ज़रूरत है गाइस, टीम वर्क करिए। ईश्वर की कृपा आप पे बनी हुई है, भोले बाबा की कृपा आपकी बनी हुई है आपके ऊपर, उनकी यही ब्लेसिंग है कि सपनों की दुनिया से बाहर आइए, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप जो चाहते हैं वैसा ही होगा और रीयूनियन बहुत जल्दी आपको होने वाला है। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, पायल नंबर 2 या रेड कलर का हार्ट जिसने चूज किया है। चलिए देखते हैं पायल नंबर 3 या फिर ग्रीन कलर का जिन्होंने भी हार्ट चूज किया है, देखते हैं भोले बाबा की ब्लेसिंग आपके लिए क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। चलिए गाइस शुरू करते हैं। जिन्होंने भी पायल नंबर 3 या फिर ग्रीन कलर का हार्ट चूज किया है उनके लिए, नाइट ऑफ कॉइंस या नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, कप्स के ही कार्ड आपके आए हैं जो कि बहुत सुंदर है। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, ईश्वर की कृपा आप पे बनी हुई है, भोले बाबा की कृपा से आपकी लाइफ में जिन्होंने भी पायल नंबर 3 चूज किया है स्टेबिलिटी आ रही। आप एक बहुत बहादुर पर्सन है, किसी भी सिचुएशन में आप एक वॉरियर की तरह लड़ने के लिए रेडी रहते हैं, आप घबरा के उस चीज़ को छोड़ के भागते नहीं हैं। यदि कोई आपको बोले भी कि इसमें तकलीफ होगी, आपको परेशानी होगी, आप बिल्कुल भी अपने जो इरादे आप बना लेते हैं उस पे डटे रहते हैं, किसी की बातों में आप नहीं आते हैं। हाँ, जहाँ आप किसी की बातों में आते हैं वहाँ आपको नुकसान भी होता है गाइस, बट अभी जो दिख रहा है आप एक वॉरियर की तरह, जो भी आपको अभी पास्ट में परेशानी हुई, ये गुड न्यूज़ है। चारों कार्ड जो आपके बहुत पॉजिटिव निकले हैं, रीयूनियन होने वाला है, जिनका ब्रेकअप हो गया था उनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है। अब वो पुराने पर्सन के संग भी न्यू बिगनिंग कर सकती हैं या कोई नए पर्सन के साथ भी, ये दोनों हो सकता है, डिपेंड ऑन सामने वाला क्या सोचता है। जो आप चाह रहे थे वैसा आपकी लाइफ होने वाली है। जो भी अभी तक आपका स्ट्रगल था, स्ट्रगल पीरियड भोले बाबा की कृपा से ख़त्म हुआ, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है। कुछ लोगों की एंगेजमेंट मैरिज भी दिख रही है, स्टेबिलिटी आ रही है फाइनेंशियली। जो भी अभी आपको प्रॉब्लम आ रही थी या आप सोच रहे थे स्टेबल नहीं हूँ, कैसे रहेगा ये सब, कैसे आगे चलेगा, आपको फ्यूचर की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। हाँ, आप कुछ लोग अगर फिर भी थोड़े से परेशान या टेंशन में है तो कुछ दान कीजिए। दान कीजिए मतलब कुछ भूखों को खाना खिला दीजिए, या पैट को खाना खिलाइए, या पक्षियों को दाना डालिए, या कोई भूखा पर्सन है उसको खाना खिलाइए, यानी गरीबों को खाना खिलाइए या दान करिए। जो शक्ति आपकी है वो करिए, जथा शक्ति तथा भक्ति, जितनी शक्ति है उतना ही करना है। ये नहीं कि बहुत सारा कर दिया और आपने किसी से ले के पैसा या कुछ दान किया तो वो दान दान नहीं होगा। जितना चीज़ आपके पास है उसमें ही से करिए और खुशी खुशी करिए और पॉजिटिविटी बढ़ाइए अपनी लाइफ में। गाइस बहुत सुंदर कार्ड निकले हैं, आपकी पूरी परेशानियां ख़त्म होने वाली हैं, भोले बाबा का बहुत क्लियर संदेश है आपके लिए। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। यदि रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, बेल बटन जरूर दबाइए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको मिले। थैंक यू सो मच गाइस।